आता हूं। उपेन यादव ये बताइए कौन कौन से भर्तियां लंबित हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, आप भी आज गए थे गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने, क्या जवाब मिला है और कितनी बड़ी आबादी इस वक्त प्रदेश के भीतर बेरोजगारों की है जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है। देखो मैं तमाम भर्तियों का जिक्र तो करूंगा, उससे पहले मैं बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता से कई सवाल पूछूंगा। जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारों का भविष्य को लेकर, क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा है, डमी कैंडिडेट आ रहे, पेपर लीक हो रहा, आज भी नीट की परीक्षा में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या सख्त कानून के पक्ष में है? उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए, उनकी उम्र कैद होनी चाहिए, क्या इस पर सहमत है? बार बार पेपर लीक होते हैं, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, क्यों उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाया जा सकता? सख्त कानून बनाना चाहिए, इंटरव्यू पर्दा समाप्त होनी चाहिए, इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के आरोप लगे इंटरव्यू समाप्त होनी चाहिए, 12 राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए, केरल हरियाणा और झारखंड की तर्ज पर 75% प्राइवेट क्षेत्र में राजस्थान के बेरोजगारों को मौका देना चाहिए, लंबित भर्तियां पूरी और कैलेंडर जारी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगार इतना मायूस हो चुका है कि एग्जाम देने जाता है, वो कर्जा लेके पढ़ाई करता है, पेपर लीक हो जाता है, आज नीट का बड़ा उदाहरण है, आने वाले समय पटवारी भी है, रीट भी है और कई परीक्षा है, इन सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और बेरोजगार को भविष्य बचाना पड़ेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि आज ये लोग खिलवाड़ करे, आज बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा और नहीं ठीक है। ये तो उपेन यादव जी ये तो सही है, ये मुझे संख्या बताइए ना सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रदेश में कितने बड़ी आबादी है बेरोजगारों की, ये बता दीजिए, कितनी भर्तियां फिलहाल लंबित है ये बता दीजिए, ताकि मैं सरकार से एक एक करके मैं जवाब ले सकूं। लाख बेरोजगार है, मैं आपको बताना चाहूंगा 30 से 35 लाख शिक्षित बेरोजगार है, मांग कर रहे हैं नई भर्तियों की, ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जूनियर अकाउंटेंट, सुशील साई को, और जो लंबित भर्तियां, हर आंकड़ी मुझे याद है क्योंकि धरातल पर संघर्ष करता हूं, हर पीड़ित बेरोजगार से मुलाकात होती है, अभी 10 सितंबर को मापड़ा उठा रहा, पीड़ित बेरोजगार आप पूछे और सरकार तक मांग पूछे, हमने आंदोलन स्थगित किया था, आंदोलन नहीं रोका, युवाओं की भूमिका दो जाते, डोटासरा साहब ने क्या कहा, लड़ेंगे लेकिन पीछे नहीं, जब आप मंत्री जी से मिलने गए थे आज क्या जवाब मिला? और जो प्रयोगशाला सही भर्ती हो, चाहे नर्सिंग, उपेन जी आज क्या जवाब मिला आपको मंत्री जी से? फार्मासिस्ट हो, मंत्री जी ने कहा कि कुछ भर्तियों की प्रक्रिया जैसे कैलेंडर जो सिलेबस इस वीक में जारी कर देंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का और 30,000 जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई का वर्गीकरण के घोषणा करना वो भी जल्द करेंगे। अच्छा, जो सरकार ने आश्वासन मिला, कुल मिलाकर आश्वासन मिला, ठीक है आऊंगा सर, आऊंगा। आरआर तिवारी साहब जवाब दीजिए, आरआर तिवारी साहब जवाब दीजिए, दोनों लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं भर्तियों को पूरा करने को लेकर, युवाओं के साथ न्याय करने को लेकर, जवाब दीजिए, 35 लाख के आस पास की आबादी जो बेरोजगार इस वक्त सड़कों पर घूम रही, कानून के पक्ष में हो क्या? आऊंगा 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 तिवारी साहब, बताइए आप लोग। संजय, हम ये कहना चाहते हैं सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार बनी 2018 के दिसंबर में, हमने भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जैसे जुमला नहीं उछाला था कि हम जीत जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी के शासनकाल में किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली। जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार में जब से 2.5 साल हुए और 2 साल तो संजय कोरोना जैसी महामारी प्राकृतिक आपदा से हम जूझ रहे हैं, ये उपेन यादव बैठे हैं, ये भाटी जी बैठे हैं, मैं उपेन यादव से कहना चाहता हूँ, भाटी तो बेरोजगारों के नेता है ही नहीं, ये तो जोधपुर एबीवीपी के वहां छात्र संघ के नेता है, राष्ट्रीय मंत्री। ये बताइए जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो बताइए, कौन क्या है कौन नहीं क्या है ये बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि जो बच्चे इस वक्त सड़कों पर आ रहे हैं, क्या वो उनके पास इतना समय है कि बिना वजह का वो आके यहाँ पर आपके सामने बैठे, उनकी मजबूरी है इसलिए वो सड़कों पर आ रहे हैं, पिछली सरकार ने नौकरी नहीं दी क्या आप भी नहीं देंगे क्या? राजस्थान में केवल अशोक गहलोत की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों को, हमने लगभग 85,000 से 1,00,000 लोगों को हमने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां दी हैं। देश के किसी राज्य में इन 2-2.5 साल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना की महामारी से लड़ते हुए हो गया, किसी राज्य सरकार ने इतने सरकारी रोजगार हमने नहीं। ये बच्चे सड़क पर क्यों हैं इसका जवाब दीजिए फिर।